विश्वविद्यालय की आदरणीय कुलपति डॉक्टर संगीता जी शुक्ल, मंच पर आसीन अन्य सारे विद्वज्जन, इस सभा में उपस्थित सारे आत्मीय बंधु भगिनी, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि दो दिन पहले ही हम सभी ने अपने देश के 76वें स्वतंत्रता के वर्ष में प्रवेश किया है। गत वर्ष हमने स्वतंत्रता का 75वां वर्ष अमृत महोत्सवी वर्ष इस नाते मनाया। इस साल भी 2023 के 15 अगस्त तक हम उसको मनाते रहेंगे। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष में हम जब इसको उत्सव इस नाते मना रहे हैं, तब स्वाभाविक जिनके कारण हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई उनका स्मरण हम सभी अवश्य करते हैं। उनके प्रति अपने मन में कृतज्ञता का भाव भी है, क्योंकि उनके कारण ही हम सब स्वतंत्र भारत में जन्म ले सके। इस वर्ष ने हमें एक और अवसर दिया है कि हमने किसी ने शायद स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए जो संघर्ष हुआ उसका अनुभव नहीं किया, परंतु इस उत्सव के कारण हमें स्वतंत्रता प्राप्ति का संघर्ष कैसे हुआ उसको फिर एक बार देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जब विचार मन में आता है, जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है उसके कारण, तो मन में आता है कि यह संघर्ष मूल रूप से राजनीतिक या सामाजिक था, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। समाज जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ाई हुई, संघर्ष किया गया। वर्तमान में सरकार इसको आजादी का अमृत महोत्सव ऐसा कह रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता ये शब्द अधिक उचित है, क्योंकि आजादी ये अंग्रेजी शब्द का मात्र एक समानार्थी शब्द है इंडिपेंडेंस या फ्रीडम का। हमें केवल मुक्ति नहीं चाहिए थी, आजादी नहीं चाहिए थी, तो अपने देश में उसको स्वतंत्रता या स्वाधीनता ऐसा ही हम कहते आ रहे। उसका मुख्य कारण क्या है कि जो जो आक्रमक हमारे देश पर टूट पड़े, उन्होंने अपने देश को गुलाम करने के लिए, हमें परतंत्र बनाने के लिए, अपने देश की जो अस्मिता थी, हमारी सबकी जो पहचान थी, जिसको हम स्व इस नाते जानते हैं, स्वत्व, उस पर आघात किया और उसको मिटाने का प्रयास किया। और उनको पता था कि इस देश की पहचान को अगर हम मिटाएंगे तो भारत भारत नहीं रहेगा, और यहां के लोग अपनी विशेषताओं को भूल जाएंगे तो ये लोग हमारे सही अर्थ से गुलाम बनेंगे, हमारे पीछे सदैव चलते रहेंगे। इसलिए अपने देश की पहचान पर आघात ये आक्रमकों का उद्देश्य है, लक्ष्य है। और हमारा जो संघर्ष हुआ, हमने जो किया अपने पुरखों ने, उस पहचान को बचाकर रखने के लिए सब कुछ दे दिया, और इसलिए उसको केवल मुक्ति का आंदोलन नहीं था, ये तो स्वाधीनता का, स्व की रक्षा करने का, स्व को सुरक्षित रखने के लिए और स्व को फिर एक बार पुनरुज्जीवित करने के लिए किया हुआ संघर्ष था। आक्रमकों ने किस प्रकार से आघात किया भारत के स्वत्व पर, जैसे हम जानते हैं कि अपने देश में दुनिया के सर्वोत्कृष्ट ज्ञान दान के मंदिर थे, और ज्ञान दान इसलिए करते थे कि वहां पर ज्ञान की निर्मिति होती, और आक्रमकों ने उस ज्ञान के मंदिर को ही तोड़ा। नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण सर्वश्रुत है, वहां के ग्रंथालय को भी जलाया, तो हमें जानकारी ऐसी मिलती है कि कुछ महीनों तक वो जलता रहा। मेरे जीवन में आज तक मैं ऐसे किसी ग्रंथालय के पास नहीं पहुंचा हूं कि जो इतना बड़ा हो सकता है, कल्पना करना भी कठिन है,
कि 6-7 महीने तक ग्रंथालय चलता रहा, यदि उस ग्रंथालय में किस प्रकार की संपदा होगी। लेकिन आक्रमकों को ऐसे लगा कि भारत की इस पहचान को मिटाएंगे तो भारत के लोग किस विषय में स्वाभिमान रख पाएंगे, और स्वाभिमान नहीं रखेंगे तो हमारे गुलाम बन जाएंगे। दूसरी बात, अपनी पहचान थी भारत की संपदा, सोने की चिड़िया कहा जाता है अपने देश में, तो इस धन को लूटना यानी भारत की उस पहचान पर आघात कर उसको लूट लेना, उसकी चोरी करना, यह दूसरा उद्देश्य है। यदि ऐसी सारी बातों का अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आता है कि भारत की पहचान को मिटाना यही एकमात्र उद्देश्य है। मैं संघ प्रचार के नाते गोवा में गया। गोवा में जाते समय मेरे मन में उत्सुकता थी कि अब तक अंग्रेजों के कब्जे में जो भारत था उसमें रहा, क्योंकि मैं मुंबई का हूँ, और गोवा में गया तो मेरे मन में उत्सुकता थी कि क्या होगा। पोर्चुगीजों ने जहां पर लगभग 500 साल तक राज किया, तो वहां जाने के बाद कुछ बातें पता चली। वहां पर गोवा शासन के द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ, वो मुझे पढ़ने मिला। वहां के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, त्रियास्ताव ब्रागांस कुनिया, उनके द्वारा लिखित वो पुस्तक है। उसका शीर्षक है डी नेशनलाइजेशन ऑफ गोवंस, यानी गोवा के लोगों के राष्ट्रीयत्व को मिटाना, डी नेशनलाइजिंग दे। तो उसमें मैंने ये कल्पना मेरे लिए नहीं थी, डी नेशनलाइजेशन अराष्ट्रीय करना, तो मैंने कहा कि ये क्या है। तो मैंने पढ़ा तो ऐसे पता चला कि व्हाट इज डी नेशनलाइजेशन, मेकिंग नेटिव स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड, यानी वहां के लोगों को जो उस भूमि के पुत्र है ऐसे पुत्रों को उसी भूमि में विदेशी बनाना, यानी उनकी राष्ट्रीयता को मिटाना, उनकी पहचान को मिटाना, इसको कहा जाता है डी नेशनलाइजेशन। तो वहां पर पोर्चुगीजों ने कैसे प्रयास किया उसको उन्होंने शब्दबद्ध किया। अपने देश में आक्रमकों ने यही बात की। अंतिम आक्रमण हम जानते हैं ब्रिटिशों का रहा, तो ब्रिटिशों का भी यही काम था। लेकिन ब्रिटिश और ब्रिटिश पूर्व के आक्रमक जितने हैं उसमें एक बहुत बड़ा अंतर था। वो अंतर क्या था तो हम अगर देखेंगे तो ये पता चलेगा कि ब्रिटिश शासन जो 1757 से 1947 190 साल चला, उसने अपने देश का जितना नुकसान किया शायद उससे कम नुकसान ही उनके पूर्व के आक्रमकों ने किया। नुकसान तो किया ही है, लेकिन ब्रिटिशों ने जो किया वो बहुत भारी नुकसान था। और ये ऐसे क्यों हुआ, ये दोनों में अंतर क्या था ब्रिटिश और उनके पूर्व के सारे आक्रमण। तो ब्रिटिशों के पूर्व के आक्रमक थे, उनके आक्रमण करने की पद्धति और साधन पारंपरिक थे। जैसे मैंने कहा, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा, तलवार से आतंक मचाया, मशाल से आग लगाई, इस प्रकार की उनकी पद्धति थी। यहां के धन को लूट लेकर गए तो हाथी पर, घोड़े पर, गधे पर, बैल पर लाद कर ले गए जितना संभव। लेकिन ब्रिटिशों ने वही किया जो उनके पूर्व के आक्रमकों ने किया, लेकिन उनकी पद्धति और साधन अलग थे। अलग थे यानी क्या था, तो ब्रिटिशों का साधन था विज्ञान, और उन्होंने अपने देश पर जो आक्रमण किया उसकी पद्धति विज्ञान के आधार पर विकसित की। हम क्रम से देखेंगे तो हमें पता चलता है 1757 जून में पलासी की लड़ाई बंगाल के नवाब के विरोध में जीतकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर सत्ता का प्रारंभ किया, ऐसा हम जानते हैं। उसके 3 साल बाद 1760 में ब्रिटेन के अंदर इस आधुनिक युग की पहली औद्योगिक क्रांति हुई, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब उसके 7 साल बाद यानी 1760 के 7 साल बाद अपने देश में ब्रिटिशों के द्वारा एक संस्था का प्रारंभ हुआ,
और आज अपने देश की सरकार उसके अंतर्गत जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके संकेत स्थल पर यानी वेबसाइट पर एक बात आपको देखने मिलेगी। उसमें ऐसे लिखा गया है, द ओल्डेस्ट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूडे इज द सर्वे ऑफ इंडिया दैट वॉज एस्टैब्लिश इन 1767 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी मजेदार बात देखिए कि आज की भारत सरकार क्या कह रही है कि अपने देश में सरकार के अंतर्गत जो सबसे पुरानी विज्ञान संस्था है उसका नाम है आज हिंदी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, और वो कहते हैं दिस इज द मोस्ट ओल्ड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब कल्पना कीजिए कि अगर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन यानी अपने देश में विज्ञान पढ़ाने के लिए किसी संस्था का निर्माण किया गया, नहीं किया। अपने देश में किसी अनुसंधान करने वाली प्रयोगशाला का निर्माण किया गया, नहीं किया। तो किया क्या, सर्वेक्षण करने वाली संस्था का निर्माण किया, सर्वे ऑफ इंडिया। अभी देखिए 1760 में औद्योगिक क्रांति हुई और किसी भी उद्योग को सफल करने के लिए दो बातों की आवश्यकता रहती है, एक तो पूंजी लगती है धन के रूप में और दूसरा लगता है प्राकृतिक संसाधन। अगर कॉटन की मिल्स चलानी है तो कपास कॉटन चाहिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये बात थी। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा या आपने पता भी कर लिया होगा कि जैसे मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोध में युद्ध जीत लिया तो जीतने वाला हमेशा उस राजा को निकालकर स्वयं राजा बनता है। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, अंग्रेजों ने नवाब कर गद्दी पर बिठा कर रखा और केवल कर वसूली का दीवानी अधिकार राइट टू कलेक्ट टैक्सेस उतना ही अपने हाथ में लिया। क्यों? तो उस समय बंगाल का सकल घरेलू उत्पाद इंग्लैंड से कम 4 गुना ज्यादा था। अभी उस पर अच्छा अनुसंधान चल रहा है और क्या पता चलेगा पता नहीं, लेकिन आज तक की जानकारी ऐसी है कि बंगाल का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP ये इंग्लैंड से 4 गुना ज्यादा था। इसलिए उनको राजा बनने में रुचि नहीं थी, तो भारत का धन लेकर जाना था। और दूसरी बात, उद्योग की सफलता के लिए प्राकृतिक संसाधन चाहिए, इसलिए भारत के संसाधनों का वैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज अपने देश में 1757 से 1857 तक चला। 1857 का स्वतंत्रता युद्ध तो आपके इस नगरी से ही प्रारंभ हुआ। उस 100 वर्ष के दौरान अंग्रेजों ने यहां पर विज्ञान लाया यानी क्या किया, तो सब प्रकार की सर्वेक्षण करने वाली संस्थाओं का निर्माण किया। उनकी मातृ संस्था का तो मैंने उल्लेख किया सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। आप कल्पना कीजिए कि अपने देश में 100 साल में विज्ञान लाया यानी क्या किया, केवल सर्वेक्षण करने वाली संस्थाओं का निर्माण किया। और क्या किया, तो जैसे मैंने पहले बताया कि हाथी घोड़े बैल गधे इन पर लाद कर संपदा को ले जा रहे थे, अपने देश में उन्होंने आधुनिक बातें लाई। दुर्भाग्य से अपने देश के पूर्व के प्रधानमंत्री तक लोगों ने कहा कि इन्होंने तो ये सारी बातें भारत को भेंट के रूप में दी है, गिफ्ट ऑफ इंग्लैंड टू द इंडिया। रेलवे क्यों बनाई गई, भारत के लोगों के यात्रा की सुविधा के लिए नहीं बनाई गई, भारत के लोगों के पास जो संपदा थी उसको लेकर जाना, इसके लिए रेलवे लाई गई। अपने यहां पर जंगल कानून किया गया, फॉरेस्ट एक्ट, वो भारत की वन संपदा को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए नहीं, अपने देश में वहां पर जो लोग रहते थे वनों के साथ, जिनको वनवासी कहते हैं हम, उनको वहां से दूर निकालना ताकि वो सारा उठाकर ले जाना आसान हो जाएगा। बिरसा मुंडा जी का सत्याग्रह या उन्होंने जो संघर्ष किया वो उसी के लिए तो हुआ। यानी अपने देश में ये सारी बातें अभी अभी
माननीय संगीता जी ने आयुर्वेद के बारे में उल्लेख किया और आयुर्वेद को किस प्रकार से कहा गया, अ मिस्टिकल और अ काइंड ऑफ स्यूडो साइंस, छद्म विज्ञान। और आयुर्वेद की जो बात जिस पर आधारित आयुर्वेद है, उस जल वन संपदा को अपने कब्जे में करना, ये उनकी कल्पना थी। उनको पता था कि आयुर्वेद को जब तक इस भूमि से मिटाएंगे नहीं, तब तक एलोपैथी यहाँ पर स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि आयुर्वेद का वैद्य अपने देश के लगभग हर गांव में था। आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति या स्वास्थ्य सेवा हर गांव तक नहीं पहुंची है, उसकी चिंता आज देश के अपने नीति निर्धारक कर रहे, लेकिन आयुर्वेद के द्वारा प्रणीत जो योजना थी, हर गांव में एक वैद्य आपको मिलता ही था। और दादी माँ का बटुआ, ये तो हमारे लिए बहुत प्रसिद्ध था, हर घर में मानो एक वैद्य होता ही था, पता ही होता था कि क्या करना क्या नहीं करना। अपने देश में ये सारी बातें थी, उनको रोक कर मिटा कर उनको दबा कर अंग्रेजों के द्वारा प्रदत्त विज्ञान यहाँ पर स्थापित करना, ये उनकी कल्पना थी। और उसके लिए उन्होंने सब प्रकार की ऐसी बातों का यहाँ पर विचार किया और उनको लागू किया गया। अभी अभी मैं आपके पास ही उत्तराखंड है वहाँ गया था, और कुमाऊं क्षेत्र अल्मोड़ा नैनीताल जाने के लिए अंतिम रेलवे स्थानक है, उसका नाम ही है काठगोदाम। अब ये नाम क्यों आया, तो ऊपर से जितनी संपदा लाई जाती थी लकड़ी वगैरह, उसको वहाँ भंडारण उसका होता था, और इसलिए काठगोदाम वहाँ के लोगों की सुविधा यात्रा के लिए नहीं, और उसको मुंबई तक ले जाना। मुंबई में मेरा घर रेल जहाँ से शुरू हुई उसी के पास है। अभी अभी मैं पंजाब गया था, तो वहाँ पर पंजाब में भी एक मालवा नाम का क्षेत्र है, बठिंडा पटियाला फिरोजपुर, तो फिरोजपुर गया तो लोगों ने मुझे कहा आपको बताएं कि यहाँ का और मुंबई का कनेक्शन क्या है। मैंने कहा क्या है, उन्होंने कहा पंजाब मेल। मैंने कहा पंजाब मेल से बचपन से जानता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे पंजाब मेल यहाँ क्यों लाई यहाँ से मुंबई तक, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के किसानों पर जबरदस्ती कपास उन्होंने वहाँ पर लगानी चाहिए, ये थोपा गया, क्योंकि यहाँ की कपास वहाँ की जलवायु के कारण इतनी अच्छी थी कि मैनचेस्टर की मिल्स इस कपास पर चलती थी, लेकिन यहाँ से वहाँ उठा कर कैसे ले जाना, तो पहले यहाँ से मुंबई तक उसको ले जाना। और उस समय रेलवे जहाँ पर खड़ी रहती है, स्लीपर्स कहते हैं वो, आजकल कंक्रीट के बनते हैं, लेकिन पहले तो लकड़ी के ही बनते थे, तो उन्होंने वहाँ का जंगल तोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर खेती में भी जो विविधता थी, जैव विविधता जिसको कहते, उस विविधता को समाप्त करके केवल मोनोकल्चर यानी केवल कपास वहाँ होनी चाहिए, यानी अपने देश के हर कोने में अगर आप पहुँचेंगे तो आपको यही बात मिलेगी। असम में जाने का मुझे बार बार अवसर मिलता है, और पूरे देश में पूछेंगे लोग, चाय तो हर व्यक्ति पीता है आजकल, तो पूछेंगे कहाँ से आई चाय, तो कहते हैं असम से, असम टी। और मैं वहाँ जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि आसाम में चाय के बागान होने के कारण यहाँ की जैव विविधता लगभग समाप्त हो गई। और आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि विविधता जब मिटती है तो किस प्रकार का संकट पर्यावरण का खड़ा होता है, यानी किस प्रकार की ऐसी बातें की गई, हमें ये ध्यान में नहीं आता तुरंत, लेकिन जब देखना शुरू करते हैं तो ध्यान में आता है कि अंग्रेजों ने ये सारी बातें की, हमें लगा बहुत बड़ी बातें कर रहे, लेकिन ये सारी बातें अपने देश को लूटने के लिए की जा रही। आपको शायद ये आश्चर्य होगा सुनकर, अभी अपना देश एक विश्व की आर्थिक सत्ता बनने जा रहा है, और लोग मान रहे हैं कि भारत की एक ताकत बन रही है अर्थतंत्र में, और आज अपना लक्ष्य क्या है भारत का, तो ऐसा कह रहे हैं कि 2030 तक अपने देश के अर्थतंत्र का आकार कितना होना चाहिए, तो $5 ट्रिलियन इतना होना चाहिए, $5 ट्रिलियन, यानी अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं। लेकिन शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि अपने देश में 1757 जून से अगस्त 1947 तक 190 साल में अंग्रेजों ने अपने देश को लूटा, वो कितना है, $45 ट्रिलियन, यानी जिसका हम सपना देख रहे हैं अभी भी, उससे 9 गुना अंग्रेजों ने अपने देश को लूटा है। क्या हमने कभी इस पर गौर किया,
क्या कभी हमारे बात मन में ये आती है कि इतनी बड़ी लूट कैसे कर गए वो, किसके कारण कर गए? तो उसका कारण है विज्ञान। अगर विज्ञान नहीं होता तो उनके पूर्व के आक्रमक थे उसी प्रकार की अंग्रेजों की गाड़ी यहाँ चलती। शायद आपने शायद एक बड़ा अध्ययन एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने किया है, एंगुस मैडिसन ऐसा उनका नाम है। तो वो क्या लिखते हैं, 2000 साल का यानी ईसा के जन्म के बाद अब तक 2000 साल का विश्व का अर्थशास्त्र का इतिहास उन्होंने लिखा है। और उसमें वो ऐसा लिखते हैं कि इसमें से 2000 सालों में 1600 साल ऐसे हैं कि जिसमें एक ही देश था जिसका सकल घरेलू उत्पाद ये सबसे अधिक था विश्व। ये देश कौन है, कौन सा है? भारत। सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद, एक ऐसा देश कि 1600 साल तक उसकी निर्यात विश्व के व्यापार में सबसे अधिक थी। इसके लिए भी उत्तर उनके पास क्या है, भारत। और ऐसा भारत अंग्रेज आने के बाद विश्व में जिनका जीडीपी सबसे कम है ऐसे देशों के पंक्ति में 1947 में जाकर बैठ गए। यानी हम कल्पना कर सकते हैं कि अनेक आक्रमणों के बाद भी भारत ने अपनी साख विश्व में बनाकर रखी। ऐसा भारत अंग्रेज आक्रमण के दौरान सबसे अच्छे जीडीपी से सबसे कम जीडीपी के स्थान पर आकर बैठ गया। इसका एकमात्र कारण है विज्ञान का उपयोग किया गया। एक बड़े अच्छे अपने देश के वैज्ञानिक थे इसलिए कह रहा हूं, 6 महीने पहले उनका दुर्भाग्य से देहांत हुआ। डॉक्टर राजेश कोचर ऐसा उनका नाम है, खगोल भौतिकी के बहुत बड़े प्राध्यापक थे। और उन्होंने साथ साथ इस अंग्रेजों के दौरान वेस्टर्न साइंस अपने देश में कैसे आया इसका भी अध्ययन किया। और उसके आधार पर उन्होंने एक शोध पत्र लिखा है। शोध पत्र का शीर्षक क्या है, शोध पत्र का शीर्षक है साइंस यूटिलाइज्ड एज अ टूल टू कंसोलिडेट कॉलोनियल पावर इन इंडिया। यानी ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता को यहाँ मजबूत करने के लिए विज्ञान का साधन ही साथ कैसे उपयोग किया गया, कई प्रकार के उदाहरण उन्होंने गिनाए। और एक अभी बड़े अपने देश के विद्वान जो जीवित है, बड़े हैं आयु में 90 साल के, लेकिन उन्होंने भी इसका बहुत बड़ा अध्ययन किया और उन्होंने भी एक अच्छा शोध निबंध लिखा है। उसका शीर्षक है साइंस एज अ रीजन ऑफ स्टेट, यानी सत्ता विज्ञान का उपयोग कैसे करती है अपने सत्ता को चलाने के लिए। और उसमें उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं। एक उदाहरण मुझे ठीक लगा वो मैं आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। एक उस शोध निबंध में उनका विधान ऐसे है, वो कहते हैं ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स यूज्ड अ काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक दैट वाज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ थियोरीज ऑफ मॉडर्न साइंस टू इम्प्रेस द माइंड्स ऑफ नेटिव्स। यानी भारत के लोगों के मनों को प्रभावित करने के लिए उन्होंने काली जादू का उपयोग किया जो आधुनिक विज्ञान के आधार पर बनाई गई थी। ये किसके बारे में लिख रहे हैं, ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के बारे में लिख रहे हैं। और उन्होंने कई प्रकार के उदाहरण दिए कि ब्रिटिश सत्ता ने विज्ञान का उपयोग भारत को नीचा दिखाने के लिए सतत कैसे किया। हम 1857 में आते थे तो और एक बात हमें दिखती है कि 1857 का जो बड़ा धक्का ब्रिटिशों को लगा उसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ पर रोका गया और प्रत्यक्ष विक्टोरिया रानी ने भारत के सत्ता की कमान अपने हाथ में। और उसके बाद उन्होंने आजकल जैसे सत्ता में राजनेता करते हैं ना, क्रिएटिंग अ फील गुड फैक्टर इन सोसाइटी, लोगों के मन में एक प्रकार का अच्छा भाव निर्माण करना चाहिए सत्ता के बारे में, शासनकर्ताओं के बारे में। तो उन्होंने अपने देश में कई प्रकार की बातें शुरू की। अपने देश में 3 विश्वविद्यालय शुरू किए 1857 में, मुंबई, मद्रास, पूर्व का यानी चेन्नई और कोलकाता। लेकिन आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों ने इन 3 विश्वविद्यालयों में विज्ञान और गणित को पढ़ाना शुरू नहीं किया। वो चाहते थे कि अपने देश में केवल क्लर्क बने, काले लोग जो अंग्रेजी सत्ता में शासन में उनकी सेवा करने वाले, और जो काले भारतीय लोग और अंग्रेज इनके बीच में
एक बफर, एक माध्यम इस नाते बने रहे। और वो लोग कैसे रहे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो दिखने में तो काले भारतीय लोग लगने चाहिए, लेकिन उनकी मन की बातें सारी, उनकी चिंता, उनका विचार, उनकी सारी बातें ये ब्रिटिशों की जैसी होनी चाहिए, ये उनकी चिंता थी। मैकॉले ने तो यही किया। इन सारे लोगों ने अपने देश में वहां पर जो विज्ञान चल रहा था, विकसित हो रहा था, उसको आपने अपने देश में सिखाने के लिए किसी भी प्रकार की बात नहीं, यानी भारत के लोगों को विज्ञान नहीं देना, क्योंकि वो जानते थे, जैसे आदरणीय संगीता जी ने कितना उल्लेख किया, आइंस्टाइन के बारे में बताया, वी ओ नॉट टू इंडियंस बिकॉज दे हैव टॉट अस हाउ टू काउंट, विदाउट विच दिस ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ साइंस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, ये वो जानते थे। शायद संगीता जी आपको ये भी पता होगा कि बीबीसी के द्वारा एक छोटी शॉर्ट फिल्म बनाई गई है, उसका शीर्षक है स्टोरी ऑफ नंबर्स, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, और अपने देश के बारे में वो देखने के बाद आपको गौरव प्राप्त होगा। 10-10 मिनट के दो हिस्से हैं, यूट्यूब पर आप देखिए। उसमें उन्होंने स्टोरी ऑफ नंबर्स, यानी वास्तविक उसका शीर्षक होना चाहिए था स्टोरी ऑफ इंडियन नंबर्स, क्योंकि वहां पर शून्य से वो प्रारंभ करते हैं, और शून्य से प्रारंभ करते हैं तो पहला चित्र पर्दे पर आता है वो क्या आता है, वो जो एंकर है उस फिल्म का, वो संगीता जी का जो गांव है ग्वालियर, उस गांव में जो किला है, उस किले के चतुर्भुज मंदिर के प्रांगण में खड़ा होता है और दिखाता है दीवार पर पीछे कि विश्व में शून्य की आकृति या चिन्ह सबसे पुराना कहाँ मिलता है, तो इस ग्वालियर नगरी में उसके किले पर चतुर्भुज नाम का मंदिर है, उसके दीवार पर ये शून्य का चिन्ह है। बीबीसी अगर ये जानती है तो अंग्रेजों को पता था कि शून्य किसने दिया ईश्वर को, शून्य से नौ अंक किसने दिए। और ये सचमुच आप ये शॉर्ट फिल्म देखेंगे तो लगेगा कि वास्तविक ये तो किसी भारत के व्यक्ति ने बनानी चाहिए थी, बनाई है बीबीसी ने, लेकिन जिसके कारण भारत के व्यक्ति की गौरव की बात बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, ऐसी फिल्म है। ब्रिटिश ये जानते थे कि भारत के लोगों को अगर हम विज्ञान के पाठ पढ़ाएंगे तो अपना शस्त्र वो आत्मसात कर लेंगे, इसलिए अपने देश में कभी उन्होंने विज्ञान को पढ़ाने का प्रारंभ या प्रयास या एक प्रकार से साहस ही नहीं किया। तो अपने देश में लोगों ने इस बात को समझा और उन्होंने इस बात को ध्यान में लिया कि अंग्रेजों का ये जो सारा शासन या सत्ता चल रही है अपने देश में, वो विज्ञान के आधार पर चल रही है, और इस विज्ञान को जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे तब तक ये लड़ाई ठीक नहीं चलेगी, उनको चुनौती देना हम ठीक नहीं कर पाएंगे। और इसलिए अपने देश में ऐसे लोग तैयार हुए, बुद्धिमान लोग थे, जिन्होंने अंग्रेजों के इस षड्यंत्र को पहचाना, और अपने देश में कोलकाता में डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार नाम के बहुत विद्वान व्यक्ति थे, डॉक्टर थे, अपने देश के दूसरे एमडी थे, उन्होंने एक जो विचित्र अनुभव उनके जीवन में आया, उसके बाद उन्होंने ये प्रण किया, संकल्प लिया कि मैं अपने देश में भारत के लोगों को विज्ञान करने के लिए एक संस्था का निर्माण करूंगा। और उस संस्था का निर्माण हुआ 1876 में कोलकाता में, उसका नाम है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, ये आज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्यरत, ऐसी अपने देश की बहुत ही प्रतिष्ठित ऐसी विज्ञान अनुसंधान शाला है। 1876 में इसका निर्माण हुआ और इस संस्था से ही अपने देश के प्रथम पीढ़ी के, दूसरे पीढ़ी के, तीसरे पीढ़ी के वैज्ञानिक निर्माण हुए। अपने देश में विज्ञान क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति को अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है, वो यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनको भी नोबेल पुरस्कार इसी संस्था में काम करते हुए मिला। 1876 की बात नहीं कर रहा हूं, अपने देश में विज्ञान पढ़ाने की सुविधा अंग्रेजों के द्वारा निर्माण नहीं हुई। आप कल्पना कीजिए कि अपने देश के वैज्ञानिकों की श्रेणी में, आधुनिक विज्ञान की श्रेणी में अगर देखेंगे तो पहले वैज्ञानिक है आचार्य जगदीश चंद्र बसु, उनका जन्म हुआ 30 नवंबर 1858, यानी 1876 में जगदीश चंद्र बसु मात्र 18 साल के थे। उनके बाद आए आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, जिन्होंने आधुनिक रसायन की नींव अपने देश में डाली,
उनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। उनका जन्म है 2 अगस्त 1861, उसी वर्ष रविंद्रनाथ ठाकुर का भी जन्म हुआ। उसके और 2 साल बाद नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद और उनके सहपाठी डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताश्री थे, जो महान गणितज्ञ थे अपने देश के, ऐसे सारे लोग आ गए और इन सभी की पढ़ाई स्वामी विवेकानंद से लेकर विज्ञान की पढ़ाई इस संस्था के कारण हो पाई। और इस संस्था का प्रारंभ करते समय डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार के मन में कौन सी बातें थी, इसके वेबसाइट पर आप अगर जाकर देखेंगे तो आपको हिस्ट्री कॉलम में एक बात दिखाई देगी, वहां इसमें लिखा है महेंद्रलाल सरकार वांटेड दिस इंस्टीट्यूशन टू बी फर्स्टली सोनली नेटिव यानी केवल भारतीयों के लिए, सेकेंडली प्योरली नेशनल यानी शुद्ध राष्ट्रीय स्वरूप की विज्ञान संस्था होनी चाहिए। ये उनकी चिंता थी और ये विचार था उनमें। और आगे की बात क्या है, he wanted his institution to be outside the control of British government, यानी ब्रिटिश शासन के नियंत्रण के बाहर ये संस्था होनी चाहिए। आज हम देखते हैं सारा अपने देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी का काम चल रहा है वो सरकार के भरोसे चल रहा है, लेकिन उस समय महेंद्रलाल सरकार ने इसका संकल्प लिया 1868 में। 8 साल के बाद ये संस्था स्थापित हुई, लेकिन इस संस्था का प्रारंभ करने के लिए भारतीय समाज महेंद्रलाल सरकार के साथ खड़ा था। और उसमें कौन कौन लोग थे, वंदे मातरम जिन्होंने लिखा ऐसे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आपने शायद ये सुना होगा कि अपने देश में विज्ञान उपन्यास साइंटिफिक फिक्शन ऐसा जिसको कहा जाता है वो पहली बार अपने देश में लिखने वाले व्यक्ति है वंदे मातरम के कर्ता बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने पहला वैज्ञानिक उपन्यास अपने देश में लिखा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आप बहुत लोगों ने सुना होगा, वो एक शिक्षा के क्षेत्र में एक ऋषि तुल्य काम कर रहे थे, वो महेंद्रलाल सरकार के साथ थे। और विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जो कर्क रोग के रुग्ण थे, जिनके डॉक्टर हुआ करते थे महेंद्रलाल सरकार, रामकृष्ण परमहंस भारत की प्रथम विज्ञान की अनुसंधान शाला खड़ी हो इसके लिए महेंद्रलाल सरकार के साथ खड़े हुए, त्रिपुरा के महाराज खड़े हुए। उस समय उस क्षेत्र के जितने गणमान्य लोग थे और सामान्य व्यक्ति तक, ये सारे महेंद्रलाल सरकार के साथ खड़े हुए और भारत का पहला स्वदेशी विज्ञान संस्थान खड़ा हुआ। और इसी संस्थान से जो लोग निकले उन्होंने विज्ञान के द्वारा अंग्रेजों को चुनौती दी। कैसी चुनौती दी, क्या हो रहा था उस समय, एक उदाहरण से आपको पता चलेगा। आचार्य जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र ने प्राथमिक विज्ञान की शिक्षा इस संस्थान से ली, अपने विद्यालय से नहीं। लाफॉ नाम के जो अंग्रेज नहीं थे ऐसे यूरोपीय शिक्षक उनको विज्ञान पढ़ाते थे, महेंद्रलाल सरकार भी पढ़ाते थे। जगदीश चंद्र बसु को विज्ञान में स्नातक होने के लिए अपने देश में नहीं इंग्लैंड जाना पड़ा। वहां पर कैम्ब्रिज और लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़कर बीएससी फिजिक्स होकर जगदीश चंद्र बसु वापस भारत में आए। ये समय था 1884। आप कल्पना कीजिए कि जिस समय भारत में विज्ञान का स्नातक होने की कल्पना ही नहीं थी, ऐसे समय में कैम्ब्रिज लंदन से आया हुआ एक युवा जो बीएससी फिजिक्स होकर आया है, उसको यहां पर जीवन में करने के लिए क्या अवसर था। आजकल हम सोचते हैं ना कि एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं। जगदीश चंद्र बसु का मन देखिए, उनके गुरु थे लॉर्ड रैले जिनको 1904 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। लॉर्ड रैले ने जगदीश को समझाया क्योंकि वो जानते थे कि मेरा बहुत ही उत्कृष्ट छात्र है, गुणवत्ता में भी आगे है। तो कहते थे उनको, जगदीश तुम भारत क्यों जा रहे हो, तुम्हें तो विज्ञान में अनुसंधान करना चाहिए और भारत में कुछ नहीं है, प्रयोगशाला तो दूर की बात, वहां विज्ञान पढ़ाने की भी सुविधा नहीं है, क्यों भारत जा रहे हो। जगदीश चंद्र बसु का उनको एक ही उत्तर था, मेरे देश बांधवों को विज्ञान पढ़ाने के लिए मैं भारत जा रहा हूं। देखिए सब प्रकार की सुविधा उनके लिए वहां उपलब्ध थी,
लेकिन वो सारा छोड़कर मन में एक ही संकल्प लिए थे कि भारत वापस जाऊंगा और मेरे देश में विज्ञान को पढ़ाना शुरू करूंगा, विज्ञान का अध्यापन शुरू करूंगा। लॉर्ड रैले ने ये तो बेटा सुनता नहीं है तो उसके साथ एक पत्र दिया उस समय के गवर्नर जनरल को और उनको कहा कि इसको उचित स्थान भारत में दिया जाए। वो बीएससी फिजिक्स होकर लौट रहा है। जगदीश चंद्र बसु कोलकाता में आए और उनके मन में था कि भारत में विज्ञान का अध्यापन प्रारंभ करूंगा, यानी भारत का व्यक्ति करेगा। उस समय अंग्रेजों ने अपने देश में जितनी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको दो हिस्सों में बांटा था, उसमें सेवा क्षेत्र भी था। एक समूह को कहते थे इंपीरियल एजुकेशन सर्विस, यानी उसमें केवल गोरी चमड़ी के ब्रिटिश लोग ही शिक्षक बन सकते थे, और एक थी प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस यानी क्षेत्रीय शिक्षा सेवा, जिसमें हमारे जैसे काली चमड़ी के भारतीय लोग भी शिक्षक बन सकते थे। दोनों का काम एक जैसा था, दोनों की पढ़ाई एक जैसी होने के बावजूद, दोनों की शिक्षा और ज्ञान एक ही समान होने के बावजूद अन्याय क्या था? तो ब्रिटिश व्यक्ति को, शिक्षक को अगर 1,000 रुपये वेतन मिलता था तो भारत के समकक्ष व्यक्ति को, समान परिश्रम करने वाले व्यक्ति को 300 रुपया वेतन दिया जाता। अपराध क्या था? ये काले चमड़ी का भारत का व्यक्ति, यानी अन्याय और वांछित भेदभाव ही था, केवल अन्याय नहीं था। तो ये काली चमड़ी के लोग, ये तो बहुत निचले लोग हैं, निचले किस्म के लोग हैं, यही कल्पना ब्रिटिश बार बार करते थे, व्हाइट सुप्रीमेसी जिसको कहते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार की कल्पना थी। जगदीश चंद्र बसु कहाँ से आए थे? वो आए थे इंग्लैंड से। जब उन्होंने आवेदन किया कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ तो ब्रिटिशों ने तो कहा कि भारत का व्यक्ति विज्ञान पढ़ाएगा, कैसे संभव है? और जगदीश चंद्र बसु को उत्तर क्या दिया उसको हम सभी ने समझना चाहिए। भारत के स्वत्व के ऊपर, जिस भारत को विज्ञान की श्रेष्ठ परंपरा है, जिसके कारण ही दुनिया का आधुनिक विज्ञान खड़ा हुआ, ऐसे देश में जो लोग थे भारतवासी, उनके प्रति ब्रिटिशों के मन में भाव क्या था, वो जगदीश चंद्र बसु को जो उत्तर मिला उससे प्रकट होता है। जगदीश चंद्र बसु एक इस व्यक्ति ने जो इंग्लैंड से श्रेष्ठ ऐसी स्नातक होकर वापिस आया था, ऐसे व्यक्ति को उत्तर क्या दिया गया? As Indians have no aptitude for exact methods of science, no Indian can teach science. ये यहाँ बैठे हुए सारे शिक्षकों ने ध्यान में रखना चाहिए, ये भारतवासियों का अपमान था। शायद वो ऐसा उत्तर दे सकते थे, जगदीश चंद्र आपको तर्कपूर्ण विचार करने की क्षमता नहीं है, you have no aptitude for exact methods of science, so you cannot teach science as an individual. लेकिन they made a sweeping statement and said, Indians have no aptitude for exact methods of science, so no Indian can teach science. जगदीश चंद्र बसु एक ऐसे महान व्यक्ति थे कि जिनके जीते जी उनकी जीवनी लिखी गई। ये सम्मान शायद ही भारत में किसी व्यक्ति को मिला होगा या दुनिया में किसी व्यक्ति को मिला होगा। जगदीश चंद्र बसु का देहांत तो 1937 में हुआ। 1920 में ब्रिटेन के एक बहुत बड़े इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जिनका नाम है सर पैट्रिक गिडेस, उन्होंने जगदीश चंद्र बसु का चरित्र लिखा, जीवनी लिखी, और उस जीवनी में इस पूरे घटना का बड़ा वर्णन उन्होंने किया है और यह सारा बताया है कि क्या किया अंग्रेजों ने। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई, जगदीश चंद्र बसु ने क्या किया। ये जो अन्याय था, ये भेदभाव था, उसके विरोध में जगदीश चंद्र बसु कैसे खड़े हो गए? तो ये गिडेस महाशय लिखते हैं, जगदीश चंद्र इनिशिएटेड अ न्यू फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट शेयर इनजस्टिस एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट वाज दैट न्यू फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट? जगदीश चंद्र बसु ने जो नया तरीका निकाला विरोध करने का, अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ खड़े होने का, वो तरीका क्या था? जगदीश चंद्र ने कहा, और उसमें एक और बात हो चुकी थी, ऊपर के दबाव के कारण लॉर्ड रैले और गवर्नर जनरल के, ब्रिटिशों ने जगदीश चंद्र बसु को अनुमति दी थी, लेकिन कहा था यू विल बी अ टेम्पररी साइंस टीचर इन प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस, सो यूर सैलरी विल बी ओनली 100 रुपीज, 300 रुपया भी नहीं।
जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि मुझे वेतन का एक पैसा भी नहीं चाहिए, ऐसे अन्याय से भेदभाव से दिया हुआ ये वेतन मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। और हमें लगता है इतना समय तक उन्होंने विरोध किया, वेतन न लेते हुए एक महीने के अंत में क्या जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि अब मैं ये सुधर जाएंगे? नहीं, एक महीना नहीं, दो महीना नहीं, तीन महीना नहीं, लगातार तीन साल जगदीश चंद्र बसु बिना वेतन पढ़ा रहे थे। इस बात को साबित करने के लिए कि भारत का व्यक्ति भी विज्ञान क्षेत्र में इस प्रकार से अध्यापन कर सकता है। और वो जगदीश चंद्र बसु का अध्यापन इतना उत्कृष्ट था कि अंग्रेज प्राध्यापकों से भी अच्छा भौतिक विज्ञान जगदीश चंद्र बसु पढ़ाते थे। और इसका परिणाम क्या हुआ, तीन साल के बाद कल्पना कीजिए कि युवा जिसका विवाह हो चुका है, गृहस्थाश्रम में जिसने प्रवेश किया है, ऐसा युवा तीन साल बिना वेतन काम कर रहा है भारत को अपनी क्षमता को सिद्ध कराने। तीन साल के बाद अंग्रेज शरण आ गए। अंग्रेजों ने जगदीश चंद्र बसु को ना केवल परमानेंट टीचर, साइंस टीचर इस नाते लिया, तीन साल का वेतन भी पूर्वलक्षी प्रभाव से उनको दिया। और उसके बाद ये भेदभावपूर्ण नीति थी दो हिस्सों में शिक्षा क्षेत्र को बांटने की, उस पर भी पूर्ण विराम लगाया गया। मुझे लगा सत्याग्रह यानी क्या होता है, मुझे तो लगा कि अपने देश के वैज्ञानिक ने ही अंग्रेजों के विरोध में अपने देश का संघर्ष में सबसे पहला सत्याग्रह किया। सत्याग्रह क्या होता है, मैंने उसकी परिभाषा ढूंढने का प्रयास किया। तब एक परिभाषा मुझे मिली ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में, क्योंकि ब्रिटेन से कुछ आता है ठप्पा लगता है तो हमें सच लगता है ना, तो वहां पर उसको डिफाइन किया गया है व्हाट इज सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन्स अ डिटरमाइंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस। अगर इस परिभाषा के साथ इस पूरी घटना को आप देखेंगे तो क्या आपके मन में आएगा, मेरे मन में आया तो यही सत्याग्रह। सत्याग्रह कहने के बाद अपने मन में केवल एक ही नाम आता है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में नील की खेती में जो अन्याय हो रहा था उसके विरोध में, उसके 33 वर्ष पूर्व अपने देश में वैज्ञानिक के द्वारा ब्रिटिशों की इस अन्यायपूर्ण नीति के विरोध में सत्याग्रह किया गया। हमें किसी को बताया नहीं गया। जगदीश चंद्र बसु अपने ऐसे पहले व्यक्तित्व थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने देश में विज्ञान अनुसंधान शुरू किया 1894 में, और एक ही साल में उन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखाया। एक ही साल में 1895 में एशियाटिक सोसाइटी के सभागार में कलकत्ता में 5000 लोगों के समक्ष जगदीश चंद्र बसु ने आधुनिक विज्ञान में बेतार संदेशवहन का पहला प्रयोग करके दिखाया। आज वहां पर बैठा हुआ शायद हर व्यक्ति मोबाइल लेकर घूम रहा होगा। क्या हमें इसका एहसास है कि इस टेक्नोलॉजी को दुनिया को देने वाला पहला वैज्ञानिक अपने देश का? जिस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हम करते हैं, सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर का उद्भव निर्माण इस 1895 के जगदीश चंद्र बसु के शोध कार्य के दरमियान हुआ। वर्तमान में यूजीसी के जो अध्यक्ष है डॉक्टर जगदीश कुमार, वो आईआईटी दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक्स के ही प्रोफेसर थे। अब वो पढ़ाते नहीं है लेकिन वो मुझे हमेशा बताते हैं, 15 साल पहले उन्होंने पहली बार मिले तब बताया कि जयंत जी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने शुरू करता हूँ, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ाने की शुरुआत करता हूँ तो सबको मैं डंके की चोट पर ये बताता हूँ कि सेमीकंडक्टर नाम की कल्पना विश्व को देने वाला अपने देश का वैज्ञानिक है, उसका नाम जगदीश चंद्र बसु। और विश्व का पहला डायोड, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस में पहला जो सामान्य पाठ पढ़ाया जाता है वो डायोड का पढ़ाया जाता है, डायोड का निर्माण करने वाला व्यक्ति भी कौन है, अपने देश का है, जगदीश चंद्र बसु। लेकिन आज अपने देश में कितने लोगों को इसकी जानकारी है? ये जगदीश चंद्र बसु थे जिन्होंने ब्रिटिशों को चुनौती दी। उनके बाद आए आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। 1901 में वो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट करके वापस आए।
और मैंने पहले बात बताई थी कि 1857 के बाद फील गुड फैक्टर तैयार करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारी बातें की। प्रफुल्ल चंद्र जब इंग्लैंड पहुंचे, उनका जन्म 1861 का है, 2 अगस्त का, यानी 1857 के 4 साल बाद 20 की आयु में वो इंग्लैंड चले गए थे। उस समय वहां पर जो भारतीय छात्र आते थे उनके मनों को प्रभावित करने के लिए ब्रिटिश लोग एक निबंध प्रतियोगिता रखते थे हर साल। उस प्रतियोगिता का एकमात्र विषय होता था, उसका शीर्षक होता था इंडिया बिफोर एंड आफ्टर म्यूटिनी, यानी जिसको हम स्वतंत्रता युद्ध कहते हैं, ब्रिटिश लोग उसको केवल एक गदर कहते हैं, म्यूटिनी कहते हैं। और ब्रिटिशों ने भारत के लोगों को अच्छा क्या किया ये बताने के लिए भारत के लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए ये प्रतियोगिता होती। इस प्रतियोगिता में प्रफुल्ल चंद्र राय ने सम्मिलित होकर निबंध लिख दिया। उसको पता था कि मेरे निबंध को अंग्रेज लोग स्वीकार नहीं करेंगे और उसकी अपेक्षा के अनुसार परीक्षक ने एक टिप्पणी लिख कर उसका निबंध वापस कर दिया, क्योंकि उसको पुरस्कार नहीं मिला था। लेकिन टिप्पणी क्या थी, उसमें लिखा था दिस इज द बेस्ट एसे विच वी हैव रिसीव्ड इन दिस कॉम्पिटिशन, बट सर्टनली वी कैन नॉट अवॉर्ड दिस एसे बिकॉज एवरी आर्ग्यूमेंट The author has done over here is against, utterly against the British rule. आज उसका पुस्तक प्रसिद्ध हुआ है। और प्रफुल्ल चंद्र राय कितने बड़े अर्थशास्त्री थे, 20 आयु में, वो ध्यान में आता है कि उन्होंने अंग्रेजों के शासन का इतना बारक गहराई से अध्ययन किया था कि तथ्यों के आधार पर उन्होंने साबित किया कि अंग्रेजों का जो भारत में शासन है वो भारत के लोगों के भलाई के लिए नहीं है, तो भारत को लूटने के लिए, भारत के ऊपर सरासर अन्याय चल रहा है, ये उन्होंने तथ्यों के आधार पर साबित किया उस निबंध के द्वारा। उनको पता था वैसे हो गया, लेकिन वो कितने साहसी थे, शूर थे, तो उन्होंने विचार किया जिस परीक्षक ने, अंग्रेजी परीक्षक ने ये टिप्पणी लिखी थी उसके पास प्रफुल्ल चंद्र पहुंच गए, युवा प्रफुल्ल चंद्र इंग्लैंड में, और उस परीक्षक से अनुमति ली कि क्या मैं इस निबंध को अंग्रेजों के समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकता हूं क्या। और आश्चर्य है कि उस परीक्षक जो अंग्रेज था उसने अनुमति दे दी और प्रफुल्ल चंद्र राय ने लंदन के सर्वप्रसिद्ध समाचार पत्र में इस निबंध को इस परीक्षक के टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया। कितना साहसी कदम था, देखिए, जो छात्र बनकर गया इंग्लैंड में, वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। कल्पना कर सकते हैं उस समय की, ये प्रफुल्ल चंद्र डॉक्टर होकर वापस आए, लेकिन उनको आजीवन प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस में ही काम करना पड़ा। लेकिन प्रफुल्ल चंद्र राय एक ऐसे रसायन विज्ञानी है अपने देश में जिन्होंने 1901 में आधुनिक विज्ञान के आधार पर पहला उद्योग अपने देश में स्थापित किया, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। 1902 में प्रफुल्ल चंद्र राय ने, जो अंग्रेज बताते थे ना कि भारत में विज्ञान था ही नहीं, प्रफुल्ल चंद्र राय ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, उसका पहला खंड 1902 में प्रकाशित हुआ, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। प्राचीन काल से लेकर 16वीं शती तक भारत में रसायन विज्ञान का उद्भव और विकास कैसे हुआ और इसी के आधार पर आधुनिक रसायन विज्ञान कैसे खड़ा हुआ है, उसको विश्व के सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रफुल्ल चंद्र राय ने बहुत परिश्रम से हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नाम का ग्रंथ लिखा। उसका दूसरा खंड प्रकाशित हुआ 1908 में। 1907 में जमशेदपुर में टाटा स्टील प्रारंभ हो गया और स्टील उत्पादन के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता रहती है। प्रफुल्ल चंद्र राय स्वयं होकर टाटा के पास गए और टाटा को बताया कि आपने अभी सल्फ्यूरिक एसिड आयात नहीं करना चाहिए, मैं रसायन विज्ञान पढ़कर आया हूँ और मैं आपको रसायन विज्ञानी इस नाते आवश्यक उतना सल्फ्यूरिक एसिड बनाकर दूंगा। अध्ययन करने वाले लोग ऐसा बताते हैं उस समय जो अर्थस्थिति थी विश्व की, जिस देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ये जितना होता था उसके अनुपात में उस देश का जीडीपी हुआ करता। प्रफुल्ल चंद्र राय के जीवनी में, जो आत्मजीवनी लिखी है उन्होंने, उसमें लिखा है कि मेरे मन में एक ही सपना था कि भारत का जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता रहना चाहिए और उसके लिए मैंने ये एक प्रकार की चुनौती स्वीकार की कि मैं मेरे देश में सल्फ्यूरिक एसिड बनाना प्रारंभ करूँगा।
और उन्हीं से प्रेरणा लेकर यहाँ पंजाब में बिरबल साहनी के जो पिताजी थे रुचिराम साहनी, उन्होंने भी सल्फ्यूरिक एसिड की फैक्ट्री शुरू की और अपने देश में 3-4 स्थानों पर यहाँ से प्रेरणा लेकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का विधि प्रारंभ हो गया। एक रसायन विज्ञान का जो प्राध्यापक था, उसने अपने जीवन में भारत का GDP बढ़ना चाहिए, अंग्रेजों से जो बाजार माल आता है उसको रोकना चाहिए, ऐसे अपने जीवन में उन्होंने 37 उद्योग प्रारंभ किए। शायद आज का भारत में कोई उद्योगपति ऐसा नहीं होगा कि उसने अकेले में 37 उद्योग प्रारंभ किए। ये प्रफुल्ल चंद्र राय प्रतिदिन चरखा चलाते थे और उससे जो धागा निकलता था उसी से अपना वस्त्र बनाकर चलते थे। देशभक्ति कैसी थी कि भारत का GDP जितना था उसी में मेरा जीवन में चलाऊंगा। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को आज का GDP कितना है पता है, लेकिन वो उनकी देशभक्ति थी कि मेरे बांधव उस GDP के अंदर ही रहते हैं तो मैंने भी उतना ही मेरा जीवन उसी खर्चे में चलाना चाहिए। इतना सादगी भरा जीवन, यही प्रफुल्ल चंद्र राय है जिन्होंने अपने देश के क्रांतिकारकों को विस्फोटक कैसे बनाना ये सिखाया, एक्सप्लोजिव्स। और ये सारी बातें ब्रिटिश लोग जानते थे तो प्रफुल्ल चंद्र राय के बारे में ब्रिटिश कोलकाता के पुलिस ने क्या टिप्पणी की है, ही इज अ रिवोल्यूशनरी इन द गार्ब ऑफ अ साइंटिस्ट। यानी ये वास्तविक है, क्रांतिकारी है लेकिन वैज्ञानिक के वेश में घूम रही है, लेकिन है कौन, वास्तविक क्रांतिकारी। अपने देश में ऐसे कितने लोग, इसके बाद एक 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 करके आए। चंद्रशेखर वेंकटरमन, वो क्लर्क बनकर कोलकाता में गए थे तब डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी को ध्यान में आया कि इस व्यक्ति को फिजिक्स के अंदर कुछ काम करने देना चाहिए। उन्होंने 1917 में चंद्रशेखर वेंकटरमन को ISES में भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक का स्थान दिया और 1928 में 11 साल के बाद चंद्रशेखर वेंकटरमन ने अपना पहला सिद्धांत विज्ञान के क्षेत्र में विश्व के सामने रखा और वो उनके मन में इतना विश्वास था कि 2 साल के बाद इस काम के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार मिलने वाला ही है। और 1930 में भारत में एकमात्र व्यक्ति को वो नोबेल पुरस्कार मिला। और हमें पता है कि इज द फर्स्ट नॉन वाइट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन द डोमेन ऑफ साइंस। यानी उसके पूर्व यूरोप के बाहर किसी को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। अंग्रेजों ने सबको दबा कर रखा था, लेकिन अंग्रेजों को चुनौती किस देश से मिली विज्ञान के क्षेत्र में, भारत से मिली। और आपको शायद ये जानकारी होगी, जब 1930 में ये प्रत्यक्ष स्वीडन गए नोबेल पुरस्कार लेने के लिए तो वो रो रहे थे, चंद्रशेखर वेंकटरमन। उनको पूछा लोगों ने, आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, ये जो सारे नोबेल पुरस्कार विजेता है उसमें से मैं ही एक अभागा व्यक्ति ऐसा हूँ कि मेरे राष्ट्र के ध्वज के नीचे खड़ा होकर ये पुरस्कार लेने का सद्भाग्य मुझे नहीं मिला। जिन्होंने हमें गुलाम किया है ऐसे अंग्रेजों के यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर नोबेल पुरस्कार लेने का एक विचित्र सा दुर्भाग्य मेरे हिस्से में आया है। और उन्होंने वहीं से घोषित किया कि ये नोबेल पुरस्कार मैं स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित करूंगा। मैंने कल्पना नहीं की, उनके मन में यह भाव था कि नोबेल पुरस्कार मेरे लिए नहीं, आके मेरे देश के लिए प्राणों को न्यौछावर करने के लिए समर्पित कर दिया। यानी उस समय के वैज्ञानिकों के मन के अंदर जो देशभक्ति का भाव था और अंग्रेजों को चुनौती देने की जो एक आकांक्षा थी उसको समझना चाहिए। इसी चंद्रशेखर वेंकटरमन जी के जो भतीजे थे डॉक्टर एस चंद्रशेखर, जो दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत होने के बाद अमेरिका चले गए और खगोल भौतिकी में उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कार्य किया चंद्रशेखर लिमिट इस नाम से, उसको 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। उस समय किसी एक व्यक्ति ने उनकी जीवनी लिखने का कार्य प्रारंभ किया और वो व्यक्ति जीवनी लिखने वाला चंद्रशेखर जी को एक प्रश्न पूछ रहा था। वो प्रश्न क्या था, तो उन्होंने प्रश्न पूछा, डॉक्टर एस चंद्रशेखर, व्हाई डू यू फील गोल्डन एज ऑफ इंडियन साइंस अपीयर्ड इन फर्स्ट 3 डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। यानी 1900 से 1930 तीन दशकों में भारत का विज्ञान का स्वर्ण युग कैसे अवतरित हुआ। तो एस चंद्रशेखर जो अमेरिका में जाकर बैठे थे वहां पर काम किया उन्होंने, उनका विश्लेषण क्या था कि पहले 3 दशक में इतना बड़ा कार्य भारत के वैज्ञानिक क्यों कर पाए,
तो उनका उत्तर ऐसे था, देयर वॉज अ नीड फॉर नेशनल एक्सप्रेशन टू शोकेस ब्रिटिश रिजिम दैट इंडियंस आर इक्वल इवन इन द डोमेन ऑफ साइंस. अंग्रेजों को यह बताने की आवश्यकता थी कि भारत के लोग भी विज्ञान के क्षेत्र में आपके बराबरी के हैं, और ये एक राष्ट्रीय भाव का प्रकटीकरण था. ये कौन बता रहे हैं? एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक इस आधुनिक युग के. ये उनका विश्लेषण था भारत में जिस प्रकार से विज्ञान चला उसका. और केवल वैज्ञानिक ये काम कर रहे थे ऐसा नहीं, उस समय जितनी सारी संस्थाओं का निर्माण हुआ, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अपने देश की आज की सर्वोत्कृष्ट विज्ञान अनुसंधान विश्वविद्यालय ऐसा जिसको हम देखते हैं. IISc का निर्माण कैसे हुआ? जब स्वामी विवेकानंद और जमशेदजी टाटा अमेरिका की ओर जा रहे थे तो उनके संवाद में ये बात आई. आपको शायद ये पता होगा कि दो जीवन में एक ही बार मिले 1893 में, जब जापान के योकोहामा से दोनों वैंकूवर की ओर जा रहे थे. दोनों विश्व को पता नहीं थे और दोनों आपस में भी जानते नहीं थे कि ये दो कौन है. लेकिन 1898 23 नवंबर को जमशेद जी टाटा स्वामी विवेकानंद जी को पत्र लिखते हैं. ये पत्र आप देख सकते हैं इंटरनेट पर, टाटा के डिजिटल आर्काइव्स में कहीं पर भी देख सकते हैं. क्या लिखते हैं जमशेद जी टाटा स्वामी विवेकानंद को? वो लिखते हैं, डियर स्वामी विवेकानंद, कैन यू रिकॉल मी when you boarded a ship at Yokohama and we two became a fellow traveler. We did discuss many things for the upliftment of our beloved motherland. And we thought of establishing two kinds of institutes, one for natural sciences, another for humanistic sciences. And establishment of these institutes will take our country, take our motherland to a new height. And I don't see anyone else other than you to provide great leadership to these two institutes. यानी ये जो साफ पत्र ये स्वामी विवेकानंद जी को आमंत्रित करने के लिए था कि स्वामी जी आप आइए और ये दो संस्था, एक विज्ञान के लिए और एक सोशल साइंस के लिए, इसका नेतृत्व कीजिए जिनके कारण अपना देश दुनिया में एक श्रेष्ठ देश बनेगा. स्वामी विवेकानंद आए ही सन्यासी थे. भगिनी निवेदिता ने उसका उत्तर जमशेद जी टाटा को लिखा है. इस IISc का निर्माण 1908 में हुआ. उस समय विवेकानंद जी नहीं थे क्योंकि 1902 में उन्होंने समाधि ले ली. 1904 में जमशेद जी का देहांत हुआ. उसके बाद भगिनी निवेदिता और जमशेद जी के बड़े पुत्र गोरावजी टाटा, इन्होंने एक साथ आकर इस संस्था का निर्माण किया. 1905 में लॉर्ड कर्जन अपने देश में आए थे, जिन्होंने बंगाल का बंटवारा किया. उस लॉर्ड कर्जन ने इस संस्था को सतत दबाया. वो नहीं चाहते थे कि भारत में विज्ञान अनुसंधान विश्वविद्यालय खड़ा हो. लेकिन भगिनी निवेदिता इंग्लैंड तक पहुंची. लंदन में भारत के प्रति आस्था रखने वाले अंग्रेज लोगों का उन्होंने दबाव करने निर्माण करने वाला समूह बनाया, जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता पर दबाव बनाया और अंततः अंग्रेजों को भारत में विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला खोलने के लिए अनुमति देनी पड़ी. लॉर्ड कर्जन को ही देनी पड़ी. लेकिन उसके लिए चंदा इकट्ठा किया गया. आप बेंगलोर में जाएंगे तो उसको टाटा इंस्टीट्यूट नाम से पहचाना जाता है. लेकिन भगिनी निवेदिता का एक पत्र है, उस पत्र में निवेदिता एक आह्वान कर रही है भारतवासियों को. वह ऐसा लिखती है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एक्सपेंडिचर विल बी ऑलमोस्ट 74 लाख. 1905, 6, 7, 8 की मैं बात कर रहा हूँ. 74 लाख वॉज एन एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड और प्रपोज फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IISc. 74 लाख, कल्पना कीजिए. उसमें लिखती है, देर इज वन इंडियन हु इज नॉट द रिचेस्ट इन इंडिया बट रेडी टू गिव 30 लाख रुपीज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, देन फ्रॉम वेयर वी शुड अर्न रेस्ट 44 लाख. और उन्होंने भारतवासियों को आह्वान किया. उसमें पहला एक व्यक्ति आगे आया जिसका नाम है महाराजा मैसूर, जो स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे. उन्होंने इस संस्था को स्थापन करने के लिए 375 एकड़ जमीन दान की. आज बेंगलोर में आप जाएंगे तो जहां IISc खड़ी है वो महाराजा मैसूर ने दी हुई जमीन है. और भारतवासियों ने चंदा इकट्ठा किया और इस संस्था का निर्माण हुआ. 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ. काशी हिंदू विश्वविद्यालय ऐसा एक विश्वविद्यालय है जिससे
भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जितने विज्ञान संस्थान खड़े हुए ऐसे सभी का नेतृत्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मिला। सीएसआईआर के पहले निदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलगीत भी लिखा है, यानी अपने देश के वैज्ञानिक कैसे थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलगीत लिखने वाले वैज्ञानिक थे, और अपने देश के चोटी के वैज्ञानिक जिनके नाम से अपने देश का श्रेष्ठ विज्ञान का पुरस्कार दिया जाता है भटनागर पुरस्कार, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलगीत लिखा। इतने सारे लोग निर्माण हुए। 1917 में जगदीश चंद्र बसु ने विज्ञान मंदिर इस नाम से कोलकाता में विज्ञान अनुसंधान शाला का निर्माण किया, जिसको आज लोग बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट इस नाम से जानते हैं। अपने देश में ऐसे कई बातें, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास है, यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है। हमें पता है कि उस समय अपने देश में कांच आयात की जाती थी इंग्लैंड से, उसको रोकने के लिए अपने देश में कांच कारखाना निर्माण हुआ। लोकमान्य तिलक जी ने आह्वान किया और पुणे के पास एक तलेगांव नाम का गांव है छोटा, वहां पर एक कारखाना है जो अपने देश का आधुनिक विज्ञान के युग में पहला कांच कारखाना है, पैसा फंड कांच कारखाना ऐसा उसका नाम है, पैसा फंड ग्लास फैक्ट्री। ये पैसा फंड क्या, क्यों ये नाम आया, तो लोगों ने ये सोचा कि हर व्यक्ति को देश कार्य के लिए कुछ योगदान देना चाहिए, एक एक पैसा इकट्ठा करेंगे और पूंजी जमा करेंगे और उस पूंजी से कांच कारखाना निर्माण होगा। अपने देश का पहला कांच कारखाना निर्माण हुआ और वहीं से मोरबी गुजरात के अंदर जो अपने देश का सबसे बड़ा क्लस्टर है कांच का, सिरामिक्स का और ग्लास का, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक ही संस्थान है ऐसा जहाँ पर ग्लास एंड सिरामिक्स में अध्यापन किया जाता है, तो इन दोनों के लिए जो विशेषज्ञ मिले वो पुणे के पास जो तलेगांव नाम की फैक्ट्री शुरू हुई वहाँ से लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने ग्लास एंड सिरामिक्स में अध्यापन शुरू किया। भारत स्वावलंबी होना चाहिए इसलिए, यानी आज अपने देश में स्वतंत्रता के बाद विज्ञान के क्षेत्र में जितना विकास हमने कर किया है उसकी नींव स्वतंत्रता आंदोलन के समय रखी गई और ये लोगों की सहभागिता के द्वारा रखी गई, ये केवल एक एक व्यक्ति का काम नहीं था, हमने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और ये सारी बातें हमें अब तक सामान्यता बताई गई। विज्ञान भारती ने एक प्रकार का विचार किया कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष हम मनाएंगे तो विज्ञान के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कौन सी बातें हुई उसका अध्ययन करना चाहिए और उस अध्ययन के द्वारा कई प्रकार की बातें थी। विज्ञान भारती ने उसका एक पुस्तक भी प्रकाशित किया है अंग्रेजी में मूलतः और अभी भारत की हर भाषा में उसका अनुवाद कर रहे, हिंदी और मराठी में अनुवाद हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने ये सोचा कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में विज्ञान के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कैसे हुआ इसकी कथा गाथा शब्दबद्ध होनी चाहिए और अपने समाज तक पहुँचानी चाहिए। और अपने देश में कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें ये सारी बातें समाज तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। आज विज्ञान भारती की यहाँ की इकाई ने यहाँ के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के साथ इस कार्यक्रम की योजना की और मुझे विचार रखने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया, इसलिए उनके प्रति और आप सभी के प्रति जिन्होंने इसको सुना सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं यही रुकता हूँ। नमस्ते।